अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फंकी सीसू। सो कैसे हैं आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सबकी दुआओं से हम लोग भी अच्छे अलहमदुलिल्लाह। एंड आज मैं अपने मम्मी पापा के लिए टी बना रही हूँ। एंड आज हम लोग फर्स्ट टाइम बना रही हूँ मैं, तो चलिए एक इजी वे में हम लोग बनाते हैं। वैसे तो मुझे आइडिया नहीं है कि हम लोगों को कितना कप्स डालना है, लेकिन अब मेरी छोटी बहन को भी पीना है तो फिर हम लोग 3 कप्स ले सकते हैं, क्योंकि मैं भी थोड़ा ट्राई कर लूँगी। हम लोग बना रहे तो हम लोग ना सबसे पहले इनको इसमें डालेंगे। इसी तरह से हमें अब 3 कप इसमें हम लोग को डाल लेना है। एंड हम लोग दोनों के लिए हम लोग ने 1/2 कप लिया है। हम लोग इसको भी डालते हैं। हमारा मिल्क ब्लेंडर हो चुका है। हम लोग गैस ऑन करेंगे। सबसे पहले आपको इसे प्रेस करके ऑन करना है। करने के बाद आपको इसमें चढ़ाना है। एंड आपको इसको बिल्कुल अच्छे से बॉईल होने देना है। हम लोग को पूरे दूध को बॉईल होने देना है। एंड जब तक ये बॉईल हो रहा है, हम लोग इसमें इलायची डाल देंगे। इलायची लेंगे और उसको बीच से खोल के दूध के अंदर डालेंगे, क्योंकि इनका जो बिच्चा होता है ये टेस्टी बनाता है। हम लोग को 2 इलायचीज लेना है। एंड उसके साथ हम लोग को एक तेज पत्ता लेना है। एंड इसको 1/2 कर रहे हैं, क्योंकि आप वैसे करिएगा तो फिर इसका जो टेस्ट रहता है वो आएगा नहीं। एंड जब तक अभी ये बॉईल हो रहा है, हम लोग अभी मिलते हैं। एंड हाँ गाइस, 1 सेकेंड, आपके पास अदरक होगा तो फिर आप इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि उससे वो टेस्टी बनता है। एंड हम लोग अभी थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तब तक गाइस 1 सेकेंड। गाइस, तो मैंने अभी जितना भी कुछ डाला है, जैसे इलायची, तो ये सबसे ना आपकी थकावट, कमजोरी और सर दर्द कम हो जाएगी। एंड अगर आपका दूध जैसे बॉईल हो रहा है तो आप उसको स्लो कर सकते हैं। सिम के पास यहाँ पर आप स्लो कर सकते हैं यहाँ पर। एंड हम लोग इसको फुटाते हैं वैसे। तो अभी ये फूट चुका है। हम लोग इसमें चाय पत्ती डालेंगे एंड शुगर डालेंगे। हम लोग अभी इसको निकालते हैं। हम लोग इसमें चाय पत्ती लेंगे। मुझे आइडिया तो नहीं है, लेकिन मैं 2 स्पून्स ले रही हूँ। अगर आपका मिल्क ज़्यादा है ना तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी उतना नहीं बना रहे, तो हम लोग 2 स्पून्स से ट्राई करेंगे। एंड फिर भी अगर कलर नहीं आया तो हम लोग डालेंगे और। अब हम लोग इसको हाई लेवल में कर देंगे, मीन्स 100°C में कर देंगे, क्योंकि ये जितना फूटता है ये उतना ही अच्छी चाय बनती है। अब इसे जितना फुटाइएगा चाय उतनी अच्छी बननी जाएगी। अब हम लोग डालेंगे शुगर। टू शुगर का स्पून्स लेना है हम लोग को। सेम, अगर आपका मिल्क ज़्यादा है तो आप इसके लिए भी सेम ही है, आप ले सकते हैं 2 स्पून से ज़्यादा। हम लोग अब डालते हैं इसको। ये सब होने के बाद हम लोग को 1 स्पून लेना है, इसे मिक्स करना। सो गाइस, हम लोग यहाँ पर स्पून धो लिया है और हम लोग को मिक्स करना है। अच्छे से आपको हर जगह मिक्स करना है ताकि हर चीज़ मिक्स हो पाए। इसको आप वापस से हाई लेवल में कर सकते हैं ताकि ये फूटे। हम लोग ने यहाँ पर स्पून कर दिया। गाइस, अब हम लोग ने उसको फिर से 100°C में कर दिया है। हम लोग को उसको फिर से, मतलब जब ये वापस से ऊपर उठेगा, हम लोग उसको माइनस करना होगा। एंड गाइस, आप लोग हमारे वीडियोस देखते हो, व्यूज़ आते हैं, लेकिन आप लाइक नहीं करते हो, ऐसा क्यों? लाइक भी कर दिया करिए। एंड ये फिर से फूट रहा है, सो स्लो कर देंगे।
एंड ये लास्ट टाइम हम लोग फिटा रहे इसको, एंड इसके बाद हमारा टी रेडी हो जाएगा। बट हाँ, हम लोग को इसको अच्छे से फुटाना होगा, तभी हमारा चाय यम्मी ही बनेगा। देख सकते हैं हम लोग का चाय अभी ऊपर उठ रहा है, ये रेडी हो जाएगा। सो गाइस, अभी हम लोग इसको बॉइल होने देते हैं, हम लोग कुछ बातें करते हैं। सो आपको चाय पसंद है या नहीं कमेंट्स में बताइए। मुझे तो चाय पसंद है, लेकिन उतना नहीं, बच्चे लोग को उतना पीना नहीं चाहिए। एंड आप लोग कहाँ कहाँ से हो, हम लोग को नहीं पता है आप कहाँ कहाँ से, हम लोग की वीडियो कहाँ कहाँ जाती है हमें भी तो पता चले। एंड हम लोग इसको फिर से हाई लेवल कर देंगे ताकि ये फूटे। मुझे डर लग रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, अच्छा बनेगा या नहीं। एंड आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कैसा बनेगा। चलिए लास्ट तक इस वीडियो को देखना पड़ेगा, इस वीडियो में रहना पड़ेगा। देखिए ये फिर से फूट रहा है। फिर हम लोग को ना, अगर आपका चाय पत्ती कोना में आए तो आप इसको बीच में कर लेना है, क्योंकि फिर वैसे कलर नहीं आएगा। तो ये अब बीच में आ गया है। होने के बाद अब हम लोग को उसको वापस से टेस्ट करना है, एंड ये लास्ट टाइम है जब हम लोग उसको फुटा रहे। जब ये हो जाएगा तब ये रेडी हो जाएगा। देखिए ये अभी ऊपर हो रहा है, जब तक मैंने यहाँ पर कप्स निकाल के रख लिए हैं, एंड हमारे चाय इट्स रेडी। इसको ऑफ करेंगे एंड अब हम लोग को टी स्पूनर को वॉश करना है। ऐसे ही हम लोग करके सारा डाल देंगे। सो गाइस, हम लोग ने चाय बना ली है, एंड ये देखिए, ये पापा के लिए है, ये मम्मी के लिए है, ये मेरे लिए है, इज़ा के लिए। अब हम लोग इसको ट्रे में डालेंगे। सो गाइस, अब हमारा चाय रेडी हो गया है। एंड हाँ, अगर आपको ये चाय पीना है ना तो मेरे घर आ जाइए। अब हम लोग अपने फैमिली को सर्व करेंगे, देखते हैं उनको कैसा लगता है टेस्ट में। सो आपको मेरा स्टाइल कैसा लगा, मेरे जाने में जैसे चाय बनाया है फर्स्ट टाइम, कैसा लगा आपको कमेंट्स में बताइएगा। एंड सो अभी हम लोग देते हैं उनको, देखते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है फर्स्ट टाइम मैंने जो बनाया है। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय।